हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्ते। तो आज है रामनवमी, आज श्री राम जी का जन्म हुआ था और आज नवरात्र का लास्ट डे भी है। आज नवमी है, मतलब आज सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। तो गाइस, मैं आया हूँ त्रिंडा मंदिर, तो यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं। गाइज, ये त्रिंडा मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। मैं थोड़ा इधर आया हूँ ना इस रोड से, तो यहाँ से दूर ऐसे दिखता है और यहाँ के थोड़े नज़ारे ऐसे हैं। ये शायद वो छोटा कंबा बड़ा कंबा विलेज है और ये आगे रामपुर शिमला के लिए रोड है, मेन रोड। और देख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़े ऐसे नज़ारे दिखते हैं। और यहाँ से ना बिल्कुल नीचे खाई है, ये देखो। और ये सतलुज नदी है जो बिल्कुल कम हो चुकी है अभी, और बिल्कुल खाई, मतलब बिल्कुल खाई है। लाइक है ना, अगर कोई लाइक एक्सीडेंट होता तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। तो गाइस, जितना मैंने त्रिंडा मंदिर के बारे में सुना है ना, तो इसकी हिस्ट्री मेरे को जितना पता है, मेरे को जिससे सुना है ना, मैंने अपनी मामी से सुना है। तो मेरे को मेरी मामी ने बताया था कि पहले ना यहाँ पे ना, जो जहाँ पे ये त्रिंडा मंदिर बना है, मंदिर जहाँ पे बना है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। और आपको पता है ये त्रिंडा डाक जो है, ये वाला रेंज बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो क्या किया ना, तो गांव वाले जो ऊपर त्रिंडा जो गांव है, ऊपर विलेज है, यहाँ से ऊपर को है ना, बिल्कुल आगे से होके रास्ता है वहाँ के लिए निगुलसरी से, तो जो त्रिंडा विलेज है वहाँ पे असली माता है दुर्गा माता, तो उनका जो नाम है वो है चित्रलेखा करके, तो उनको त्रिंडा, मतलब त्रिंडा विलेज है तभी त्रिंडा माता यहाँ पे नाम पड़ा है। तो वहाँ पे माता के पास गए, तो वहाँ पे माता ने बोला कि यहाँ पे ना मेरी स्थापना करो, जो गांव में देवी है अभी भी है, साक्षात देवी जी है वहाँ पे, पूरे रथ में है और उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है और बहुत शक्तिशाली है वो, है ना। मेरी मम्मी का ना, मतलब मेरी मम्मी के मामा भी वहीं से थे, मतलब मेरी मम्मी के मम्मी वहीं से थे त्रिंडा से। तो माता ने बोला कि तुम यहाँ पे ना मेरी मूर्ति स्थापित करो या मेरा यहाँ पे ऐसा स्थान बना दो। और फिर गांव वालों ने भी ऐसे एग्री किया इस बात से, और जो लोग थे काफ़ी कुछ, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बना दिया। और मैक्सिमम जो फौजी वगैरह है ना, वो ज़्यादा इस मंदिर को ज़्यादा, मतलब मंदिर में ज़्यादा अच्छा वो करते हैं, फौजी वगैरह ये भंडारे देते हैं, लाइक बहुत ऐसे मानते हैं त्रिंडा मंदिर को। और मैक्सिमम किन्नौर के जितने भी लोग हैं ना, सारे यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं, लाइक बहुत शक्तिशाली है माता ना। तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, बाकी मुझे इतना पता है ना, बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो पता नहीं, बाकी थोड़ी ऐसी बातें थी। तो आज लास्ट नवरात्र है, तो मैं आया हूँ, मैं माथा टेक के जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से सरान जा रहा हूँ और सरान से फिर डायरेक्ट शिमला। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।